कुल्लू जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 74वें गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस, आईटीबीपी, होमगार्ड, एनएसएस व एनसीसी स्काउट एंड गाइड के छात्रों ने परेड में हिस्सा लिया। कुल्लू जिला में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने परेड को सलामी दी। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके लिए हिमाचल पुलिस के पुरुष और महिला टुकड़ियों समेत आईटीबीपी, होमगार्ड, एनएसएस और एनसीसी स्काउट एंड गाइड के छात्रों ने भव्य परेड की। गणतंत्र दिवस को लेकर सभी में भारी उत्साह दिखा। जिला गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए भी जागरूक किया गया। दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह दिन पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष महसूस करने का अवसर है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने संविधान को अपनाया तथा भारत सही अर्थ में गणतंत्र बना था। संविधान सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास एवं उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र की शक्ति संविधान में ही निहित है। यह पावन अवसर हमें आत्म विश्लेषण का अवसर भी प्रदान करता है। एक गण राज्य के रूप में हमारी विकास यात्रा इस अवधि में हासिल लक्ष्य और भविष्य में किए गए जाने वाले कार्यों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां देने वाले महान व्यक्तियों को स्मरण करना आवश्यक है। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने इस देश की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना अपना शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों को तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की है। प्रदेश सरकार द्वारा परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को वार्षिक के तौर पर 3 लाख रुपए, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र विजेताओं को वार्षिक के तौर पर 2 लाख रुपए जो है, वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं को वार्षिक के तौर पर 1 लाख दिए जा रहे हैं। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध अथवा अन्य सैन्य ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के आश्रितों को 20 लाख रुपए तथा अपंग हुए सैनिकों को 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान कर दी जा रही है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।